डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खासी सबकत ले चुके हैं कमला देवी या कमला हारिस साहिबा के ऊपर। ये क्लियरली माइंड में सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप मेरी माँ को कहता था, यू आर केयरलेस, तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती, लिवाना नहीं करती थी क्या? मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया। इंडिया बड़ा स्ट्रांग है और इंडिपेंडेंटली खड़ा हुआ है, जो भी आए इंडिया के जूते की नोक पे है, ये इंडिया का मौकिफ है। तकरीबन 5 स्विंग स्टेट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑलमोस्ट 4 तो वो ले ही चुके हैं, तकरीबन 3 तो बिल्कुल हतमी तौर पर ले चुके हैं और बाकी 4 जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं। सब लोग अमेरिका की तरफ देख रहे थे, सब लोग अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर बिजी थे, लेकिन यहां पर पाकिस्तान में बड़ा ही फनी इंसिडेंट हुआ। कल एक सिक्योरिटी गार्ड जो चाइनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया था उनसे उसके साथ दो चाइनीज का झगड़ा हो गया। उसने बंदूक निकाली और उसने गोलियां चला दी। अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठाऊं तो भी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया था। मैं 2021 का अगर स्टेटमेंट उठाऊं तो हिंदुओं के लिए उनके अंदर बहुत सारे जज्बात पाए गए। ये भी एक अजीब सी बात है क्योंकि ट्रंप ने बहुत सारी चीजें मुसलमानों के बारे में बोली हुई है, मुस्लिम बैन किया हुआ है, साथ साथ ट्रंप ने ये भी बोला हुआ इसराइल को कि काम खत्म करो, फिनिश द जॉब, जो फलस्तीन में तुम लोगों ने जारियत शुरू की है बिल्कुल सफाया करो। इंसिडेंट क्या हुआ, कुछ मतलब उनका इस्लाम पे कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ और चाइनीज ने जाके बोला कि भाई माओज़ेदोंग सबसे बड़ा है और बेसिकली इनको पाकिस्तानियों को भिखारी बुलाया उन्होंने। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार के लिए कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए ना वो उतनी अहमियत का अमल है जितनी वो उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, ठीक है जी। अब जो बाइडेन की जगह अगर ट्रंप भी जीत जाते हैं ना तो हिंदुस्तान को अमेरिका के साथ तल्लुकात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ, मगर ये बात देखी है कि ट्रंप के दौरे हुकूमत में जब ट्रंप प्राइम मिनिस्टर थे ना तो हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के तल्लुकात बहुत ही गहरे थे। जो बाइडेन के दौरे हुकूमत में आके थोड़ा सा खलल आ गया उनमें, ठीक है, उन तल्लुकात में। तो ट्रंप की पॉलिसियां कुछ और थी तो जो बाइडेन की पॉलिसियां कुछ और है, और ये दुनिया ने सारी ने देखा है कि ट्रंप को वैसे ही दुनिया बहुत पसंद करती है। ट्रंप जो है ना अमेरिका के वजीर आजम है उनको दुनिया ऑलरेडी पसंद करती है, इस वजह से उनकी जो अब पोजीशन है ना वो मजबूत है और वो कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर भी वो शायद ट्रंप ही बने, ठीक है। मगर हिंदुस्तान के रिलेशन अमेरिका के साथ जो है ना वो रिलेशन है इनके प्राइम मिनिस्टर चेंज होने से तब्दील नहीं होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान खुद एक पावरफुल मुल्क है और उसके साथ रिलेशन बनाना अमेरिका की एक समझ ले मजबूरी है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि वो हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात अपने ख़राब कर सकें। तो ऐसी कुछ वीडियो है, वीडियो हम पूरी देखेंगे, वीडियो के बाद हम करेंगे बात और जानेंगे पाकिस्तानी आवाम का, पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। कल एक सिक्योरिटी गार्ड जो चाइनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया था उनसे उसके साथ दो चाइनीज का झगड़ा हो गया। उसने बंदूक निकाली और उसने गोलियां चला दी। यहां पर दो चाइनीज को बड़ी जबरदस्त इंजरी हुई है और इस टाइम पे वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में वो अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इंसिडेंट क्या हुआ, कुछ मतलब उनका इस्लाम पे कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ और चाइनीज ने जाके बोला कि भाई माओज़ेदोंग सबसे बड़ा है और बेसिकली इनको पाकिस्तानियों को भिखारी बुलाया उन्होंने। तो जैसे ही भिखारी बुलाया इसने भैया सिक्योरिटी गार्ड ने वो निकाला, बंदूक निकाली और ढिचकियां करके दो लोगों को ठोक दिया वहां पर। अब ऐसी जगह पे ठोका तो दोनों बच गए हैं, अभी थोड़ा सा इंजरी हुई है इनको, लेकिन दिस इज नाउ द थर्ड अटैक इन दिस वेरी ईयर जब चाइनीज को टारगेट किसी ने किया था। ये कोई टीटीपी का इंसिडेंट नहीं है, ये कोई बीएलए का इंसिडेंट नहीं है, ये एक रेगुलर इंसिडेंट है जो पाकिस्तान के, अगर आपको समझ में आएगा कि जो लोग हैं उनको अभी चाइनीज की थोड़ी सी अकल आ रही है कि भैया ये तो हमारे जमीन के पैरों के नीचे से जमीन खींच के लेके चले जाएंगे यहां से। आई वंडर पाकिस्तानी इतने बेवकूफ है उनको ये अभी तक नहीं समझ में आया था, क्योंकि ये जो जितने भी स्टेटमेंट्स ये लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट देती थी कि साहब आसमान से क्या, आसमान से ऊंचा, समुन्द्र से गहरा, स्टील से भारी और शहद से मीठी और पता नहीं क्या क्या चीजें बोलते थे।
अगर आपको याद हो कि दो चार दिन पहले चाइनीज मिनिस्टर ने काफी गाली वाली निकाली थी पाकिस्तानियों को, गाली मतलब इन द सेंस काफी डांट मारी थी। इन्होंने बोला था कि साहब क्या है, आप लोग इतना हम लोग आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, आप लोगों के साथ इतना सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने फिर भी हमारी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं करा। यहां पर काफी ओपनली रेप्रमांड किया था, और ये दूसरी बारी किसी एक चाइनीज लीडर ने आके इनको रेप्रमांड करा। पिछली बारी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर में बिल्लो रानी के सामने सुनाया था, इस बारी अभी यहां पर बड़ा क्लियरली बोला है। टू विच बाय द वे द पाकिस्तानी फॉरन ऑफिस रिस्पॉन्डेड एंड सेड ये बहुत ही गलत चीज है कि आप पब्लिक में ऐसी चीजें बोल रहे हो, ये हमारी रिलेशनशिप को खराब करने की बात है, और ये सब चीजें उन्होंने बोली। ये एक ऐसी कंट्री को बोली जहां से उनका 70% डेट तक उनका है, और जितने भी उनके जर्नैलों के पेट 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 में भरा है चाइनीज ने, इट्स नॉट इवन फनी अबाउट इट, इट्स नॉट इवन फनी। बात यहां पर आती है कि ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए, ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए इस इलेक्शन को जीतने के लिए। हालांकि अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठाऊं तो भी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया था। मैं 2021 का अगर स्टेटमेंट उठाऊं तो हिंदुओं के लिए उनके अंदर बहुत सारे जज्बात पाए गए थे, लेकिन कमला हैरिस ने अपने एंसेस्टर्स तो बताए हिंदुओं के, अपने ब्लड रिलेशंस तो बताए हिंदुओं के, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने एक भी बात नहीं बोली जिससे हिंदू कन्विंस हो सकते थे कि हाँ कमला हैरिस अगर जीत करके आती है और वो प्रेसिडेंट बनती है तो वो हिंदुओं के पक्ष में कोई काम करेंगी। इस बीच में ट्रंप ने एक ऐसा ट्रंप खेला कि हिंदू कन्विंस हो गए और हमारे भारत में, इंडोनेशिया में, उसके बाद बांग्लादेश में, उसके बाद फिर यूएई में बजाफते पूजा रख दिया गया ट्रंप को जीतने के लिए। कल हमारे भारत में बजाफते कई मंदिरों में ट्रंप के फोटो के साथ पूजा आराधना हुई है, हवन हुआ है कि ट्रंप को जीतना चाहिए। कई ऐसे दृश्य और कई ऐसे विजुअल्स और कई ऐसे इंडियन चैनल पर न्यूज चले हैं जहां पर पंडित जी हैं, महंत हैं, संत हैं, प्रभु जी हैं, गुरु जी हैं, वो लोग बैठ करके ट्रंप के फोटो पर तिलक लगा रहे थे और कह रहे थे कि इसको जीतना चाहिए। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के हिंदू भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, लेकिन मैं बहुत सारे मिसालें या बहुत सारे प्रूफ आपको नहीं दूंगी जो पाकिस्तान के हिंदुओं के पास से मेरे पास प्रूफ आए हैं, नहीं तो पाकिस्तान क्या करेगा, काटने कूटने लूटने माले गनीमत समझ करके यही करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए मैं बहुत सारे प्रूफ आपको नहीं देना चाहूंगी, बट पाकिस्तान के हिंदुओं ने मुझे प्रूफ भेजे हैं कि वो भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, और मैं इसलिए चाहती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते ताकि डोनाल्ड ट्रंप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और इटली की मिलोनी, डच और फ्रांस, हम लोग मिल करके बैठ करके बात करें और बात करके बांग्लादेश के दो हिस्से करें, एक एक मुसलमानों का और एक हिंदुओं का। पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको वहां पर दोबारा बसाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबल लीडर्स जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री इस पूरी दुनिया में चौथे पोजीशन पर है वर्ल्ड फेमस लीडर में, आप सोचो उनका एक महत्व है उनके बात करने का। तो ऐसे बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स जब बैठ करके हिंदुओं के प्रोटेक्शन पर बात करेंगे तो पूरी दुनिया के हर जिहादी, हर आतंकी, हर टेररिस्ट और हर दाऊद इब्राहिम जैसा लोग, हर अफजल गुरु जैसा लोग, हर असदुद्दीन अवैसी जैसा लोग थर थर कांपेगा हिंदुओं पर उंगलियां उठाने से पहले। इसलिए भारत चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते। मैं जो वीडियो देखे भी तो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया, मजा आया वीडियो देख के। वाकई ये बहुत बड़ी बात है जी कि इंडिया की जितनी अवाम है वो ज़्यादातर यही चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो वो जीते वो विन हो और प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के बने, और मोदी सरकार की भी यही ख्वाहिश है, क्योंकि जो तल्लुकात मोदी सरकार को डोनाल्ड ट्रंप के थे ना वो सारी दुनिया ने देखा है कि कितने दोस्ताना गहरे भाईचारे वाले तल्लुकात थे और इनके जो रिलेशन थे। आप ये देख लें कभी हिंदुस्तान मोदी डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, कभी मोदी सरकार हिंदुस्तान जा रहे हैं, और दोनों का जो वेलकम होता था ना, जो दोनों वेलकम करते थे वो पूरी दुनिया ने देखा। ठीक है जी, एक दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान स्पीच करने आए तो करोड़ों का मजमा था, करोड़ों का मजमा। ठीक है जी, सारी दुनिया ने कवरेज दी उसको। जब मोदी सरकार और डोनाल्ड ट्रंप आपस में गले भी मिले हैं, हाथों पर हाथ भी डाले हैं, दुनिया ने देखा जो रिलेशन, और जितने इनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड हुई थी ना अमेरिका की मोदी सरकार के साथ हिंदुस्तान के साथ, ये भी कोई कम नहीं थी। और जब जो बाइडन बने अमेरिका के सदर,
ठीक है जी, तब से जो रिलेशन है ना मोदी सरकार और हिंदू इधर अमेरिका के, वो ज़रा ख़राब होते नज़र आ रहे थे। और जो बाइडन का दौर हुकूमत है, आप दुनिया ने सारी ने देखा है कि किस तरह की बातें हो रही हैं जो बाइडन के बारे में, ठीक है जी। बाकी ये बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सारी दुनिया को साथ ले कर चले हैं, हर मुल्क के साथ अच्छे तल्लक कायम किए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, ठीक है जी। और यह जो सूरत आजकल बनी हुई है जी, इसराइल की और फलस्तीन की जंग, उधर यूक्रेन की और अमेरिका की जंग, उधर रशिया की और अमेरिका के तल्लक ख़राब, ठीक है जी, ये चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप के दौर में नहीं थी, ये जो चीज़ें अब हो रही हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वजीर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सदर बनते हैं अमेरिका के, तो इन हालात को वो काबू में लेके आएंगे, तल्लक बेहतर बनाएंगे और सबको बिठा के बात करेंगे एक टेबल में, ताकि दुनिया में अमन कायम हो। ये जो इसराइल और फलस्तीन की जंग है, इस पे अहम किरदार अदा करेंगे, हमें ये उम्मीद है पूरी डोनाल्ड ट्रंप साहब से, ठीक है जी। बाकी बड़ी बात है जी, अवाम ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनको वेलकम किया है डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है जी। पूरी दुनिया बातें कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के भारी अक्सरियत से विन कर रहे हैं मैच, और वो प्राइम मिनिस्टर सदर बनेंगे इसके अमेरिका के, ठीक है जी। ये बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका की वो कंडीशन अब नहीं थी जो बाइडन के दौरे हुकूमत में अमेरिका की साख खराब हुई ना, वो कंडीशन अब नहीं थी जो कंडीशन पावर जो ये डोनाल्ड ट्रंप के दौर में थी। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि सियासत कैसे करनी है, उनको पता है कि किस मुल्क के साथ किस तरह के तल्लुकात रखने हैं, जैसे आज इंडिया को पता है कि कौन सा मुल्क है जिसके साथ हमने कैसे तल्लुकात रखने हैं, ठीक है जी। और डोनाल्ड जो अमेरिका है ना, वो इंडिया के साथ तल्लुकात ख़राब नहीं कर सकता। जो बाइडन के दौरे हुकूमत में ही जो आपके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने कहा था कि आप अपने मुल्क का सोचो, हमारे मुल्क में इंटरफेयर ना करो, कभी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ऐसी बातें नहीं हुई थी। इसका मतलब ये है ना कि इंटरफेयर किया था अमेरिका ने। तो बाकी जो भी सूरत हाल है, इंडिया ने वहाँ बड़ी खुश है, अमेरिका ने वहाँ बड़ी खुश है, ठीक है जी। और दुनिया के लोग बड़े खुश हैं जी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब दोबारा सदर बन रहे हैं अमेरिका के, ठीक है जी। इससे उम्मीद यही है कि दुनिया में बेहतरी लेके आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ये जो लड़ाई झगड़े और जंग हो रही है ना, इसको वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और ये बड़ा अच्छा इकदाम होगा डोनाल्ड ट्रंप का, बड़ा अच्छा इकदाम होगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना एक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।